अपने फैंस को धोखा नहीं देना चाहते सलमान। सलमान ने फैंस के लिए लिया एक बड़ा डिसीजन। सलमान नहीं करेंगे अब किसी भी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस। सलमान खान शायद किसी भी फिल्म को हिट करने के लिए आज की डेट में ये नाम ही काफी है। खुद सलमान को भी लगता है कि फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म को हिट करने के लिए करते हैं उनके नाम का इस्तेमाल। जी हाँ, रिसेंटली एक इंटरव्यू में सलमान ने किया है इस बात को रिवील कि सलमान क्यों नहीं करते हैं फिल्म्स में गेस्ट अपीयरेंस। सलमान का कहना है कि वो जब भी किसी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस में करते हैं काम, तो प्रोड्यूसर्स उस पर्टिकुलर फिल्म को सलमान की फिल्म बताकर करते हैं पब्लिसाइज। यही वजह है कि सलमान अब नहीं करेंगे किसी भी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस, क्योंकि सलमान नहीं चाहते अपने फैंस को धोखा देना। He says, I stopped doing guest appearances. When I do, the producers publicize it as a Salman Khan film. So the fans go to see it as a Salman Khan film. And that is cheating the audiences. यहाँ हम आपको बता दें कि इससे पहले सलमान खान कई फिल्मों में कर चुके हैं गेस्ट अपीयरेंस। सिर्फ तुम, बागबान, सांवरिया और अजब प्रेम की गजब कहानी जैसी फिल्म्स में भी सलमान नजर आए थे गेस्ट अपीयरेंस में। सलमान से यहाँ जब उनके स्टारडम पर किया गया सवाल, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि वो शाहरुख या आमिर नहीं बल्कि अक्षय कुमार हैं, बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार। सलमान ने अपने इस कमेंट को क्लियर करते हुए कहा, We do fewer films. I do two films a year. Amir does one film in 3 years. Akshay does 4-5 films in a year. So, you do the math. The man who works that hard and makes the maximum amount of money and supports those many production companies, those many units, and those many directors every 4 months is a bigger star. Well, अब सलमान भले ना माने खुद को बड़ा स्टार, लेकिन फिल्म मेकर्स उनकी सुपरस्टार वाली इमेज को अच्छे से कैश कराना जानते हैं। तभी तो सलमान ने किसी भी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस करने से कर दिया है मना। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। फॉर ऑल द गरमा गरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज एंड मोर, डाउनलोड द जूम ऐप नाउ।